खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मुरैना में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। दिल्ली से नौकरी कर वापस लौटे थे चार युवक। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुरैना में एक युवक की कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से नौकरी कर वापस लौटे थे चार युवक, जिसके बाद ये पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। तो मुरैना में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से नौकरी कर वापस लौटे थे चार युवक, जिसके बाद ये पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मुरैना में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि। दिल्ली से नौकरी कर वापस लौटे थे चार युवक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। मुरैना में कोरोना के एक मरीज की पुष्टि, बड़ी खबर। दिल्ली से नौकरी कर वापस लौटे थे चार युवक। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के चार पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सभी मरीज जर्मनी और दुबई से यहां वापस लौटे हैं। कोरोना संक्रमण की जांच के दौरान इन चारों को वायरस से संक्रमित पाया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार इन मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जबलपुर के विक्टोरिया हॉस्पिटल में बने आइसोलेशन वार्ड में इन्हें भर्ती करवाया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जबलपुर में हाई अलर्ट है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है। आज 22 नए और मामले सामने आए हैं। इनमें से 219 भारतीय और 39 विदेशी शामिल हैं। वहीं चार लोगों की इस जानलेवा वायरस से चार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। ये आंकड़ा आज सुबह 9 बजे तक के हैं। तो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसको देखते हुए सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें। इसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। 22 मार्च यानी कि कल जनता कर्फ्यू भी है, और इसके साथ ही लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान किया गया है, यानी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है, मोस्ट लोग घर पे ही रहेंगे ये कहा जा रहा है। कोई बड़ा काम अगर नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। और इसको लेकर यही ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहेंगे तो इस वायरस से बचा जा सकेगा। शरद व्यास हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से देखा जाए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी कुछ देर पहले मैं खबर भी पढ़ रही थी जिसमें यह था कि मुरैना में एक मरीज की पुष्टि हुई है जो कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। तीन चार लोग लगभग दिल्ली से आए थे, जिसमें से एक मरीज की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पूरे मामले को लेकर जाँच कर रहा है। अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश में चार मरीज जो है कोरोना के वो संदिग्ध पाए गए हैं और उनको रखा गया है, उनको आइसोलेट किया गया है। साथ ही साथ मुरैना के अम्बाह जो जगह है, गांव है, वहां पर एक डॉक्टर है, वो बाहर से आए थे और उन्होंने तकरीबन 100 लोगों की जांच की थी। उसके बाद उनमें भी इस तरह की चीज़ें पाई गई है, इसीलिए उनको भी होम आइसोलेट किया गया है और सभी की जाँच वहाँ पर की जा रही है। तो अभी तक यदि हम मानेंगे
तो चार मरीज पूरी तरीके से संक्रमित और एक संदिग्ध मरीज की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि सभी जिला कलेक्टर, संभागीय कमिश्नर और जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी, उनके 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है और दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आगामी समय में किस तरह से संक्रमण को रोका जा सके। और वर्तमान में जिस तरह से मध्य प्रदेश में इनकी संख्या सबसे कम है तो इसको यहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि कल पूरे देश भर में जो जनता कर्फ्यू है उसका भी पालन करवाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम जब मिलेंगे और मैन टू मैन यदि संपर्क कम होगा तो इसका प्रकोप कम हो सकता है, तो इसीलिए भी उसकी तैयारी की जा रही है। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोशिश की जाएगी कि लोग आपस में ना मिले और जो एहतियातन बरतने चाहिए इस वायरस से बचने के लिए उसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जो लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता और बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि इन आंकड़ों को अगर नहीं रोका गया तो आगे और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो लगातार ये सरकार की तरफ से तो निर्देश दिए जा रहे हैं और हर व्यक्ति को भी समझना जरूरी है कि आप इससे बचे, बाहर जाने से आप बचे, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, काफी थोड़ी दूरी बनाकर बातचीत करें, लोगों से कम मिले, ये समझना बेहद जरूरी है आम लोगों को और हर व्यक्ति को। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश या पूरे देश भर में या पूरे दुनिया में कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है और इसके लिए हालांकि शोधकर्ता जो है लगातार शोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जागरूकता है वही आपकी मेडिसिन का काम करेगी वर्तमान में, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो कि लगातार संक्रमण से मिलने से ही संक्रमित हो रहा है। इसीलिए इसके अंदर जो डॉक्टर है, जो एहतियातन जो अनुभवी डॉक्टर से जिन्होंने इस बात को कहा है कि 1 से 2 मीटर की दूरी आपस में जब बात करें तो लगे, क्योंकि भारत की परंपरा है जब भी किसी से मुलाकात होती है तो उसके गले लगने की मुलाकात है, हाथ मिलाने की मुलाकात है और नज़दीक रहने की मुलाकात है, तो ये कई इस तरह की चीज़ें होती है जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसी के चलते यहाँ पर जागरूकता के तहत ये एक प्रैक्टिस की जा रही है कि एक आप होम जो घर में रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तो इस तरह का संक्रमण नहीं फैलेगा और उसी चीज़ की तरफ यहाँ पर इशारा इंगित करता हुआ कल का जो दिन रहेगा और जनता कर्फ्यू उसी तरफ इशारा इंगित कर रही है। लेकिन जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आम जनता को, जितनी बार हो सके उतनी बार हाथ धोएं, क्योंकि हर शॉप पर हर जगहों पर सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, जेब में सैनिटाइजर लेके घूमें, मास्क पहने ताकि इस प्रकार के संक्रमण से बचा जा सके और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिले और मिले भी तो उनसे अभिवादन, हाथ जोड़कर अभिवादन करें ताकि संक्रमण फैलने से हम संक्रमण को रोक सकें। जी बिल्कुल, और जो लोग हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसको देखते हैं लोग मोस्टली, जैसे दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले मुरैना से जो खबर आई थी जिसमें कहा जा रहा था जो 4 लोग मुरैना पहुंचे हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो ऐसे ये सारी चीज़ें भी करने से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, क्योंकि आप जहां पर रह रहे हैं आप वहां पर ही रहें, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाहर ना निकले, इसका यही मतलब हुआ है कि आप घर पर रहें, जहां पर हैं आप वहीं रहें। देखिए स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये जो संक्रमण जिस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है, तो यदि आप ट्रेवल करते हैं और यदि आपको मामूली सर्दी खांसी भी है तो इसका एक संक्रमण कहीं ना कहीं आपको फैलता हुआ नजर आता है। इसीलिए निर्देशित किया जा रहा है, एक अनुरोध किया जा रहा है सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, कि भाई आप लोग जहाँ हैं आप वहीं रुके, क्योंकि यदि आप ट्रेवल करेंगे तो उसका भी आपके ऊपर असर पड़ेगा और यदि इसका यदि टेक्निकली और यदि साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश भी करें तो ये वही है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे तो उतनी तेज़ी से फैलता चला जाएगा और इसका एक टाइम लिमिट 24 दिन का बताया जा रहा है कि 24 दिनों तक ये लगातार बना रहता है और 4th सप्ताह में ज़्यादा एक्टिवेट होता है और भारत में ये 4th सप्ताह है, क्योंकि 3 सप्ताह में यदि हम देखेंगे तो अभी तक 292 के आसपास मरीज मिल चुके हैं और यदि 1 सप्ताह और यदि कल यदि इस चीज़ को यदि सक्सेसफुली कर पाते हैं लोग जागरूक रहकर तो ये माना जा सकता है कि जो संक्रमण के ग्रसित लोग हैं उनके ऊपर हम काबू पा सकेंगे। तो आम जनता को समझने की कोशिश करनी होगी कि यदि अनुरोध किया गया है सरकार के द्वारा तो उस अनुरोध को स्वीकार करें, घर पर रुकें, 1 से 2 दिनों तक यदि किसी से ना मिलेंगे तो उससे आपके लिए ही हितकर होगा, इस बात का भी अनुरोध यहाँ पर किया गया है।
इसके लिए सरकार या प्रदेश गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार है वो भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले रही है और जितने भी मार्केट्स हैं उनको बंद करने की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर भीड़ भाड़ के जितने भी आयोजन थे उसको स्थगित कर दिया गया है। तो इससे तमाम सारी चीजें हैं, ये जागरूकता ही परिचायक है। भोपाल राजधानी की बात करें तो सड़कें पूरी तरह से खाली है, तो जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है और इस तरह की जागरूकता रहेगी तो इस संक्रमण से बचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी भारत को नहीं होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।